हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 11 क्लास 12 से ही रिलेटेड है। और आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में, इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो आज मैंने ये टू टाइप्स लिए हैं इंटीग्रल्स के, ये टू टाइप्स लिए हैं। पहले मैं फर्स्ट टाइप को समझाता हूँ। देखिए ज़रा, ये फर्स्ट टाइप का इंटीग्रल्स इस टाइप से रहेगा, इस टाइप का उसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। वो क्या रहेगा कि ये जो आपका इंटीग्रैंड है इसमें न्यूमरेटर में वन रहेगा और डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रहेगा, इस टाइप का फॉर्म रहेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो इसी फर्स्ट टाइप से रिलेटेड मैंने ये थ्री क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। और इन थ्री क्वेश्चंस में ये थ्री फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, ये थ्री क्वेश्चंस में ये थ्री फॉर्मूलाज भी आपके सामने में, कैसे ये यूज होते हैं फॉर्मूला उसको बताऊंगा, ठीक है। और ये जो सेकेंड टाइप है ये क्या है कि ये जो है एक तरह से यही टाइप है, ये क्या एक रिड्यूसिबल केस है। इसका कहने का मतलब है इंटीग्रेंट जो है स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, कुछ डिफर होगा। पहले हम इसको उसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और उसके बाद फिर जो फर्स्ट टाइप का जो प्रोसेस है सॉल्व करने का जो तरीका है वही सेकेंड टाइप हो जाएगा। तो सेकेंड टाइप कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइप ही है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक इंटीग्रल्स रिड्यूसिबल टू द फॉर्म। इस फॉर्म में हम रिड्यूस करेंगे पहले क्वेश्चन को, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, उसके बाद फिर जो प्रोसेस इसका है वही इसका रहेगा, ठीक है। तो देखिए, पहले फर्स्ट टाइप देखिए, फर्स्ट टाइप से रिलेटेड ये मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। अब देखिए मैचिंग है कि नहीं। ये एक ऐसा टाइप है जैसे कि वन, न्यूमरेटर में वन है, डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये एक ऐसा टाइप है। तो देखो यहाँ क्वेश्चंस में आप देखिए, वन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, वन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, वन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो ये एक ऐसा टाइप है, फॉर्म है, और इसमें जो फॉर्मूले जो अप्लाई होंगे वो भी इसी फॉर्म से रिलेटेड है। देखो वन क्वाड्रेटिक, तो पहले हम इसको कैसे करते हैं जरा देखें जरा। तो ये एक अलग पैटर्न है, देखिए। तो मैं पहले इसको फर्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एंड dx, ये दे रखा है कोई क्वेश्चन, जो कि देखो फर्स्ट इंटीग्रल्स का जो टाइप है इससे मैच कर रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका बिल्कुल फिक्स है और बहुत ही इजी है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। और हर क्वेश्चन का इसका 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 एक ही मेथड है सॉल्व करने का, और वो बिल्कुल फिक्स मेथड है। वो क्या है कि सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक को आप देखिए, और इस क्वाड्रेटिक में भी जो आपका जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको देखिए, ठीक है। और उसको हमें उसमें क्या देखना है कि उसका कोफिशियंट जो है ना वो पॉजिटिव वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वन होना चाहिए। अगर नहीं है तो पॉजिटिव वन बनाना है, ठीक है, पहला काम ये करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें कि इस एक्स स्क्वायर जो है इसका कोफिशियंट पॉजिटिव वन बनाना है। बिल्कुल हर क्वेश्चन में यही पॉजिटिव वन बनाना है, ऐसा नहीं कि इसी में करना है, एक जैसा ही पैटर्न है सबका, ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव दे रखा है वन तो कोई बात ही नहीं है। और पॉजिटिव वन जैसे कि ये क्वेश्चन है इसमें देखें आप जरा, तो देखो यहां कोफिशियंट क्या है, यहां टू है, तो इसको पॉजिटिव वन बनाना है टू को, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, इसमें टू को हम कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहला काम पॉजिटिव वन, अगर ये माइनस टू होता तो मैं माइनस टू को कॉमन लूंगा, क्योंकि टू से काम नहीं चलेगा, टू लेने पर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव वन बनाना है कोफिशियंट, ठीक है ना। तो माइनस टू है तो माइनस टू कॉमन लेंगे, टू है तो टू कॉमन लेंगे, थ्री है तो थ्री कॉमन लेंगे, फोर है तो फोर कॉमन लेंगे, माइनस फोर है तो माइनस फोर कॉमन लेंगे, पॉजिटिव वन बनाना है कोफिशियंट, ठीक है। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉजिटिव वन है,
तो यहाँ बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना, अगर नहीं है तो बनाना है। अच्छा, उसके बाद हम फिर सेकंड स्टेप पर जाएंगे, एक्स पर, इसका जो दूसरा जो टर्म है एक्स पर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमें पॉजिटिव वन बनाने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ बना हुआ था, ठीक है, अगर नहीं है तो उसको कॉमन लेके बनाना है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे, एक्स एक्स पर जाएंगे। उसके बाद तो एक्स का जो कोफिशियंट है, यहाँ यहाँ क्या है कोफिशियंट, कुछ नहीं है तो माइनस वन है, तो एक्स का जो कोफिशियंट है उस कोफिशियंट का हाफ करना है, और हाफ करने के बाद में उसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद इस क्वाड्रेटिक में ही उसको ऐड कर देना है, और इसी क्वाड्रेटिक में उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये बिल्कुल फिक्स सिस्टम है, सॉल्व करने का एक फिक्स मेथड है, ठीक है। तो पहला काम क्या है, फिर से सुन लें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अगर पॉजिटिव वन नहीं है तो उसको पॉजिटिव वन बनाना है, लेकिन यहाँ दे रखा था तो हमें कोई आवश्यकता नहीं हुई। और कैसे बनाना है, कॉमन लेके बनाना है, कॉमन लिया जाएगा उसको। उसके बाद हम सेकंड एक्स पर आएंगे, एक्स का जो कोफिशियंट है उसका, एक्स का जो कोफिशियंट है उसका आधा करना है, हाफ करना है, और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करना है कोफिशियंट का, और उसी को इसमें पॉलिनोमियल में ऐड कर देना है, उसी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद की कहानी फिर हम आगे बताते हैं। तो देखिए जरा, तो मैं अब इसमें क्या करूँगा, इसी को नेक्स्ट स्टेप इसका, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ कोफिशियंट माइनस वन है, तो माइनस वन का आधा करिए, क्या बोला मैंने, जो कोफिशियंट जो है उसका आधा करिए, और आधे का फिर स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने पर क्या हो गया, 1/4 हो गया, और इस 1/4 को इसमें यहाँ ऐड कर दो, और इसी को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो इसी पॉलिनोमियल में। तो पहले मैं पॉलिनोमियल लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन, और प्लस 1/4 और माइनस 1/4, और ये dx यहाँ दे ही रखा है, खत्म मामला, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर दो आइडेंटिटीज जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होंगी, वो आइडेंटिटी क्या है कि a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, पहली आइडेंटिटी। दूसरी, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है, और बस इन दोनों का अक्सर ज़्यादा यूज होता है। एक और आइडेंटिटी है, उसका भी देख, अगर हो तो देख लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होंगी, इनका इस्तेमाल अक्सर होता है, और इनमें भी यहाँ इन क्वेश्चंस में इन दोनों का यूज होगा, ठीक है ना। ये वाली जो दो है ना, फर्स्ट दो का इसमें इस्तेमाल होगा। तो देखें यार, तो अब इसको क्वेश्चंस को आगे हम करेंगे, तो इसमें वन अपॉन में देखिए, अब हम इस आइडेंटिटी से यहाँ मैच करेंगे इसको। तो देखिए, जो जो ऐड किया है उस टर्म को, ऐड जो किया है उसको हम आइडेंटिटी के साथ उसमें फॉर्मूले में इन्वॉल्व ऐड वाले को करेंगे, माइनस वाले को नहीं करेंगे, पहले तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर और आपका 1/4 और आपका ये टर्म, इन तीनों टर्म्स को अगर आप देखें, तो देखो मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर और ये आपका 1/4 इधर लिख दिया और माइनस एक्स, ठीक है, ये एक उसमें रख दिए, और उसके बाद में फिर प्लस वन और माइनस 1/4, ये कांस्टेंट एक साइड में लिख दिए। इनको सेटिंग करने का तरीका क्या है कि जो हमने ऐड किया है ना, उस ऐड करने वाले टर्म को हम एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ इन्वॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखना है। जो ऐड किया है, माइनस वाले को नहीं करना है, इसको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, बस ये हो गया काम आपका। फिर क्या बोला मैंने, जो ऐड किया है ना, ऐड करने वाले को एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म के साथ, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म के साथ ऐड करने वाले को लिया, और जो माइनस करने वाले को फिर हमने वन और इसके साथ अटैच कर दिया, ये एन डी एक्स। अब आप देखिए कि इन दोनों आइडेंटिटीज में से, यहाँ ये कौन सी आइडेंटिटी, इन दोनों में से
ये फर्स्ट एंड सेकंड में से देखो, ये सेकंड वाली आइडेंटिटीज यहाँ लग रही है, ये वाली देखिए जरा कैसे लग रही है। मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में फोर को मैं ये लिख सकता हूँ, वन अपॉन में टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो देखिए जरा एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर क्या है हाफ का स्क्वायर, माइनस माइनस टू ए बी। तो देखो जरा इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू का स्क्वायर और माइनस टू, टू पहले लगता है और ए की वैल्यू क्या है एक्स और बी की वैल्यू क्या है वन बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में फोर माइनस एक्स आ गया कि नहीं आ गया निकल के ये। तो ये आइडेंटिटी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये पूरा किसके इक्वल होता है इसके इक्वल होता है, तो ये रख दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो x की जगह पर मतलब a की जगह पर तो x है और b की जगह पर आपका वन बाई टू है, ये मानिए आप, ठीक है। मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। एक बात और ध्यान रखें, जब x वाला टर्म माइनस का हो तो ये आइडेंटिटी लगेगी ये सेकेंड वाली, और ये x वाला टर्म प्लस का हो तो ये वाली लगेगी फर्स्ट वाली। प्लस टू ए बी एक्स वाला टर्म, माइनस टू ए बी, बस ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव रहेंगे। देखिए मैंने कॉमन जो लिया था, एक तो मैंने टर्म ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव वन कोफिशियंट, इसका पॉजिटिव वन इसीलिए तो बनाते हैं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वन रहता है, और दूसरा जब हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐड करने वाले को वो पॉजिटिव वन हो जाता है, पॉजिटिव मतलब वन नहीं पॉजिटिव वाला टर्म ये ऐड करने वाला आ जाता है यहाँ, इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद फिर एक्स वाला जो टर्म है ये माइनस साइन है तो माइनस वाली आइडेंटिटी, और यहाँ अगर प्लस होता तो प्लस वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाती, बस ये काम है और कुछ नहीं है। अब देखिए जरा, तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे आगे। तो ये एक तो ये क्या हो जाएगा वन अप माइनस वन अपॉन में फोर, इसको ये फोर और फोर माइनस का वन आपका ये थ्री अपॉन में फोर, एक तो ये निकल के आ गया यहाँ इसका कैलकुलेशन। और देखो इसको मैं आगे यहाँ किए देता हूँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आइडेंटिटी ये क्या बन जाएगी वन अपॉन में एक्स माइनस वन बाई टू का स्क्वायर और प्लस थ्री अपॉन में फोर, ये हो गया एंड डी एक्स, ठीक क्लियर। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया, ये इसका ये इज इक्वल ये होता है तो ये पूरा इज इक्वल इसके हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, तो देखो मैं जरा इसमें ये पुट कर दूँ पोर्शन x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टी पुट कर दूँ, ठीक है ना, ये आपका पुट कर दें यहाँ पर पुट, तो आपका डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स का वन और वन बाई टू का जीरो, तो डी टी इज इक्वल डी एक्स, कहने का मतलब है डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, और एक ये इनको जरा पुट करें यहाँ पर, तो और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने ये कन्वर्ट कर दिया। तो देखो ये टी का स्क्वायर माइनस, इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट थ्री, थ्री को रूट थ्री अपॉन में टू, फोर को टू और इसका भी स्क्वायर एंड ये डी एक्स, और ये प्लस, सॉरी ये प्लस आएगा, प्लस है नहीं देख लीजिए जरा, और ये यहाँ डी डी टी, सॉरी ये डी टी, ये है ना डी एक्स की जगह पे डी टी। तो देखो ये पूरा का पूरा ये जो है पूरा जो इंटीग्रैंड है पूरा ये किस में था x के साथ x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, ये पूरा किस में चेंज हो गया t या t के रेस्पेक्ट में हो गया, मतलब x की जगह पर t रिप्लेस हो गया। और ये एक फार्मूला, अब देखो यहाँ मैंने फार्मूले लिखे हैं, ये कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है इससे, आप देखें जरा कौन सा फार्मूला इससे मैच कर रहा है। देखिए ये वाला फर्स्ट वाला वन अपॉन, देखिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल वन अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये होता है। अब एक्स की जगह पर टी है केवल, और ए की जगह पर यहाँ क्या है ए इज इक्वल क्या है आपका रूट थ्री अपॉन में टू, बस इस फॉर्मूले को आप लगा दो।
ठीक है ना। तो ये फार्मूला अब क्या हो जाएगा, इधर मैं टाइप देता हूँ इसको, तो ये आपका यहाँ इधर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका वन अपॉन में ए, ए की जगह पर ये रूट थ्री अपॉन में टू, और ये टेन इनवर्स, और आपका एक्स, एक्स की जगह पर ये टी अपॉन में ए रूट थ्री अपॉन में टू, और ये प्लस सी, ये हो गया। और टी क्या रखा था हमने, टी क्या पुट किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये था, इसको फिर यहाँ फिर से पुट कर दो, इसे पलट दो, ये आपका टू अपॉन में रूट थ्री हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स हो जाएगा, और ये आपका टू अपॉन में रूट थ्री ये भी हो जाएगा आपका, और टी की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, एक्स माइनस वन बाई टू ये लिख दूंगा, और ये प्लस सी चल ही रहा है आगे, टू अपॉन में रूट थ्री, ये टेन इनवर्स टू अपॉन में रूट थ्री, इसको ऐसा करो मल्टीप्लाई कर दो, टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, टू एक्स, और टू से टू कट जाएगा माइनस वन, और अपॉन में रूट थ्री, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, और ये प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर, ऐसे करना है। ठीक, अब एक विशेष बात और ध्यान रखें यहाँ पर, कि हर बार ऐसा ही बनेगा केस जनरली, एक्स माइनस वन बाई टू, ठीक है ना। तो जब एक्स, ये मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन तो किया है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन इसको, इस सब्स्टिट्यूशन को आगे करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसको हम लगा देंगे, क्योंकि हम ये जो है ना, ये वैल्यू जो है ना, एक्स का पावर एंड कोफिशियंट अगर दोनों ही वन है, ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट फार्मूला यही यहीं से ये अप्लाई हो सकता है डायरेक्ट, क्योंकि अगर यहाँ वन, ये लीनियर एक, क्या एक लीनियर एक्सप्रेशन है, और इस लीनियर एक्सप्रेशन में अगर यहाँ कोफिशियंट वन से ग्रेटर है, मान लो टू है, या टू एक्स, थ्री एक्स, फोर एक्स, ऐसा है, तो टू है तो यहाँ अपॉन में टू आ जाएगा बस, वन वन बाई टू, थ्री है तो वन बाई थ्री, फोर है तो वन बाई फोर, बस ये हो जाएगा, और सारा का सारा सेम रहेगा, और यहाँ अगर वन है तो कुछ भी अपॉन में नहीं आएगा, तो हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये है, देख लीजिए, तो हर बार ये आइडेंटिटीज यहां अप्लाई होंगी। देखिए अब सेकंड क्वेश्चंस, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा, ये वाला मैच कर रहा था इससे, यही तो मैच कर रहा है, देख लो आप पूरा इसको, पूरा ये पूरा का पूरा सिस्टम टी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर के रूट थ्री अपॉन में, ये बदलता रहेगा, ये वाला दोनों पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ भी दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये वाला लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखें कि इन तीनों क्वेश्चंस में जो क्वाड्रेटिक है, ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है, इसमें रेडिकल साइन नहीं है, रूट का साइन कहीं नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना, ये आपका जो इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप जो है, ये इसमें भी रूट का साइन नहीं है, ठीक है। तो रूट वाला, अगर रूट का साइन हो तो फिर ये फॉर्मूलों में भी ये रूट वाला ही फॉर्मूले लगेंगे, तो रूट, देखो ये तीन फार्मूले तो विदाउट रूट हैं, इनमें रूट नहीं है, अपॉन वाला जो पोर्शन है, डिनोमिनेटर है, इसमें रूट नहीं है, ठीक है ना, कहीं इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो इसीलिए मैंने ये टाइप भी विदाउट रूट वाला लिया है, ठीक है ना। उसके बाद थ्री फार्मूले ऐसे हैं जो रूट के हैं, ये सारे रूट लगा हुआ है, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अपॉन में रूट वन अपॉन में रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे रूट। तो फिर यहाँ ये जो फॉर्म है, ये भी पूरा पूरा का पूरा रूट में हो जाएगा, ठीक है ना, बस। लेकिन करने का जो सिस्टम है, रूट हो या विदाउट रूट हो, दोनों का सिस्टम करने का एक ही है, जो अभी मैं कर रहा हूँ। रूट वाला मामला आएगा तो रूट के फॉर्मूले लग जाएंगे, विदाउट रूट है तो विदाउट रूट वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, बस ये है और कुछ नहीं है। देखिए फिर से, ये फॉर्मूले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल ए प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे लिख दो चाहे इसको,
या इधर मैंने अभी इधर को इधर इसको इधर लिखा था, इसको इधर लिखा था, कैसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले अक्सर यूज होते हैं, ये दोनों आइडेंटिटीज। अब देखिए मैं सेकंड वाले क्वेश्चन को देखता हूँ, सेकंड वाला, और वो क्या है सॉल्यूशन इसका, देखें फिर से, साइन ऑफ इंटीग्रल वन अपॉन में टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एंड डी एक्स, ऐसा है, ठीक है। तो अब हमने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव वन बनाना है, पॉजिटिव वन बनाना है, यहाँ टू है तो हम क्या करेंगे, टू को यहाँ, पहले क्वेश्चन में पॉजिटिव था लेकिन यहाँ नहीं है पॉजिटिव, यहाँ क्या है, पॉजिटिव तो है लेकिन टू है, वन नहीं है, तो हम टू को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कॉमन लेना है, कॉमन लेके वन बनेगा, तो टू कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अपॉन में ये टू माइनस वन बाई टू एंड ये डी एक्स आ गया, ठीक। अब देखिए वन बाई टू ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, वन बाई टू को, ये वन बाई टू कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, ऊपर फिर वन अपॉन में, अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू एंड डी एक्स, उसके बाद फिर क्या है, बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल एक जैसा ही पैटर्न है। उसके बाद हमने क्या बताया था कि एक्स, उसके बाद फिर हम x पर जाएंगे, x का जो कोफिशियंट है, यहाँ x का कोफिशियंट क्या है, यहाँ वन बाई टू है, x का कोफिशियंट क्या हो गया, वन बाई टू, ठीक है ना भाई, ये है ना x, x का कोफिशियंट यहाँ क्या निकल के आएगा, वन बाई टू इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं उसको हम, वन बाई टू आ गया यहाँ से। अब वन बाई टू का हम हाफ करेंगे जो कोफिशियंट है ना, हाफ ऑलरेडी है ये, लेकिन इसका भी हाफ करेंगे, और हाफ करेंगे उसका फिर स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको, बिल्कुल फिक्स बात है वो, ठीक है ना। तो हम यहाँ इसका, ये इसका हाफ है तो हाफ का हाफ हो जाएगा, हाफ का हाफ हो जाएगा ये, ठीक है ना, हाफ का हाफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये वन अपॉन में फोर हो जाएगा, और वन अपॉन में फोर का फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो वन अपॉन में सिक्सटीन हो जाएगा, और इस वन अपॉन में सिक्सटीन को मैं ऐड करूँगा और इसी को मैं माइनस करूंगा, बस ये काम कर देना यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन में सिक्सटीन माइनस वन अपॉन में सिक्सटीन, बस ये काम करना है। आगे वन बाई टू तो चल ही रहा है, वन अपॉन में, अब मैंने क्या बताया था उसके बाद कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म और जो ऐड किया है वो वाला टर्म और एक्स वाला टर्म, इन तीनों को एक साथ लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में सिक्सटीन, ठीक है, और प्लस एक्स अपॉन में टू, ये एक साथ ले लो, बचा क्या, माइनस वन बाई टू माइनस वन अपॉन में सिक्सटीन, ये टर्म और ये टर्म दोनों एक साथ यहाँ ले लेने, ठीक है ना, ये आ गया यहाँ पर एन डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए ये फिर से कोई आइडेंटिटी, अब देखो यहाँ x वाला टर्म यहाँ क्या है, x वाले टर्म का साइन देख लो बस, x वाले टर्म का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये 2ab वाला टर्म होता है, x वाला टर्म कौन सा होता है, 2ab, और अगर x वाला टर्म माइनस होता तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी, माइनस 2ab वाली, ये वाली लगती, बस ये पहचान है साइन से, x वाले टर्म का साइन चेक कर लो, अगर प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये आइडेंटिटी लगेगी, अगर यहाँ ये माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो ये इज इक्वल, इसको इसको इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ऐसा लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो देखिए यहाँ पर आगे हाफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो मैं वन अपॉन में सिक्सटीन को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक तरह से ये लिख सकता हूँ वन बाई फोर,
फोर का होल स्क्वायर ये लिखा जा सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो गया ये एक्स प्लस वन अपॉन में फोर का स्क्वायर, और यहां इनको सॉल्व कर लो, ये माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई सिक्सटीन, तो ये आपका हो जाएगा 16, तो माइनस का 8 तो माइनस का 1 माइनस का 9 अपॉन में 16, तो ये माइनस का साइन आ रहा है ना, ठीक है, तो माइनस 9 अपॉन में 16 ये आ गया आपका, और ये dx आगे 1 बाई टू 1 अपॉन में x प्लस 1 बाई फोर स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। अब देखिए ये किससे मैच कर रहा है, ये फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा क्या है x है, जब को इसका पावर एंड कोफिशियंट 1 हो तो डायरेक्ट लग सकता है फॉर्मूला, ठीक है ना, लीनियर एक्सप्रेशन है ये, किससे मैच कर रहा है ये सेकंड वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखें जरा एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है यहाँ ए इज इक्वल क्या आपका 3y4, ठीक है ना, ये ए की जगह पर और ये एक्स की जगह पर है, एंड डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर 1 अपॉन में 2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, ये वाला लगेगा, ये सब मैंने फॉर्मूले भी लिख दिए। तो देखो अभी पहले क्वेश्चन में ये पहला फार्मूला लगा था, इसमें ये सेकंड वाला लग रहा है, थर्ड वाले में ये लग सकता है या ये लग सकता है, कोई भी मतलब सारे फार्मूले यूज हो जाएंगे इन क्वेश्चंस में, तो फार्मूले का एप्लीकेशन समझ लीजिए, ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, ठीक है ना। अच्छा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, तो देखो ये चल ही रहा है फार्मूला क्या, 1 अपॉन में 2 इंटू ए, ए की जगह पर ये 3 अपॉन में 4, देखो ये लिख दिया जाएगा, ठीक है, और ये log और x की जगह पर ये पूरा x प्लस 1 अपॉन में 4, ये पूरा x की जगह पर, और माइनस ये आपका 3 अपॉन में 4 ये अपॉन में, हाँ ठीक है, और यहाँ x प्लस 1 अपॉन में 4 और प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस सी, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया ये 2 से, इसको ये कैंसिल कर दो, 3/2 को मैं पलट दूंगा तो 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 और ये आपका ये 1/2 चल ही रहा है, ये 1/2 और ये क्या 3/2 है ना, तो ये 2/3 हो गया ये, ठीक है ना, ये बीच में इंटू हो गया, और ये log, अब यहाँ देखें यार यहाँ क्या हो जाएगा, ये x और ये डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ये 2 अपॉन में, देखो माइनस का 2 अपॉन में 4 अपॉन में ये x प्लस ये 4 अपॉन में 4, ऐसा लिखा जा सकता है, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, क्लियर। अब देखो इस 2 से ये कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, आगे मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन में 3 और ये log और ये x माइनस 1/2 अपॉन x प्लस 1 और ये प्लस का c प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक, क्लियर आ गया समझ में, देख लीजिए स्कोर, यहाँ से सॉल्यूशन चलता जा रहा है, आइडेंटिटीज यहाँ पर कौन सी लगी, इसमें फर्स्ट वाली लगी, ये वाली फर्स्ट आइडेंटिटी का एप्लीकेशन था इसमें, और फॉर्मूला कौन सा लगा, ये वाला सेकंड वाला, ये फॉर्मूले याद करें, इंटीग्रेशन अगर आपको समझना है तो ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, और इनमें कहीं भी रूट नहीं है, अभी विदाउट रूट के, ये रूट इसमें नहीं है, ये रूट ये वाले ये रूट नहीं है, ठीक है ना, सभी में रूट के साथ जब होगा, ये सारे तीनों फॉर्मूले रूट के साथ भी रहते हैं, तो ये जो फॉर्म है इसमें क्वाड्रेटिक रूट के साथ हो जाएगा बस, और करने का सिस्टम उसमें भी यही है, ठीक है।
क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, जैसे कि थर्ड वाला क्वेश्चन देखें आप। थर्ड, साइन ऑफ इंटीग्रल वन अपॉन थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक, इसका सॉल्यूशन तो वही काम करना है, बिल्कुल फिक्स है। एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको देखिए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखिए, जो पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखिए, पॉजिटिव वन बनाना है कोफिशियंट, लेकिन वन तो है लेकिन ये नेगेटिव वन है, हमें क्या पॉजिटिव वन बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी में दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो एक तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाता है और एक दूसरा जो हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐड करने वाला वो बी स्क्वायर हो जाता है, ये काम होता है। और एक्स का टर्म जो है उसमें, अगर एक्स वाला जो टर्म है उसका जो साइन है अगर प्लस है तो प्लस वाली टू ए बी वाली प्लस वाली आइडेंटिटी, और माइनस है तो माइनस टू ए वाली आइडेंटिटी लगी, उसके साइन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी यहाँ लगती हैं। तो देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस वन तो है, माइनस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस वन, तो मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ तो आपका ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन माइनस कॉमन निकाला तो ये आपका एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो गया और माइनस का टू एक्स और माइनस का थ्री एंड डी एक्स, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब जब ये पॉजिटिव वन बन गया, कोफिशियंट क्या बन गया, पॉजिटिव वन, उसके बाद हम क्या करते थे, x पर जाते थे, x वाला जो टर्म है उसको देखें, x का टर्म, इसका कोफिशियंट माइनस टू है, माइनस टू का क्या करेंगे, उस कोफिशियंट का क्या करते थे, हाफ करते थे, तो देखो माइनस टू का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस वन, और इसका फिर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर वन आ जाएगा, वन को ऐड करेंगे, वन को ही माइनस करेंगे, बस ये काम करना है यहाँ पर। तो ये वन अपॉन, ये माइनस साइन जो है इसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस थ्री, और ये प्लस वन और माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, ये याद रखना है, और डी एक्स। अब हमने फिर क्या बताया था कि माइनस का साइन वन अपॉन में, देखिए जो एक्स स्क्वायर एक्स एंड वन जो ऐड किया है, ये टर्म एक साथ लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, ये एक साथ ले लो, और बचा क्या, ये और ये बचे, तो माइनस थ्री और माइनस वन एंड डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन को, अब ये देखो यहाँ एक्स वाली टर्म का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी नीचे वाली, ये वाली लगेगी, 2ab वाला टर्म, x वाला टर्म मींस 2ab वाला टर्म रहता है, ये ध्यान रखो, x वाला टर्म मींस 2ab वाला टर्म है, ये ध्यान रखो, तो इसका जो साइन है ना, ये तो दोनों में पॉजिटिव रहते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव, हम डिफर कैसे करेंगे, जब माइनस 2ab है तो ये वाली आइडेंटिटी, और प्लस 2ab तो ये वाली, तो x का टर्म जो है वो ये 2ab वाला टर्म होता है, तो ये माइनस है ना, ये लगेगा, अगर ये प्लस होता, प्लस 2ab सॉरी प्लस टू एक्स होता, यहाँ प्लस टू एक्स होता तो ये वाला आइडेंटिटी फर्स्ट लगती। ठीक है, आगे अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ये माइनस तो है ही, वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर और माइनस का फोर एंड ये डी एक्स, ऐसा हो गया। ठीक, और इसे मैं और आगे ये लिख सकता हूँ, माइनस वन अपॉन में
इसे भी पुट करना चाहो पुट कर सकते हो आप, और इसको पुट x माइनस वन इज इक्वल टी, वैसे डायरेक्ट लिखो क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका पावर वन एंड कोफिशियंट वन, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ टू या वन ऐसा कुछ हो तो वो अपॉन में आ जाता है, लेकिन वो भी नहीं है यहाँ पर, उसको अपॉन में डायरेक्ट वहाँ भी लगा सकते हैं। तो डी टी एंड डी एक्स इज इक्वल वन, तो डी एक्स इज इक्वल डी टी, ये देखिए और ये देखिए यहाँ पर रखें, तो देखो एक्स माइनस वन की जगह पर देखो ये टी स्क्वायर माइनस फोर को मैं टू का स्क्वायर और डी टी, बिल्कुल और मैच कर गया ये फार्मूला। अब किससे मैच कर रहा है ये, देखो ये वाला एक ही जगह पर क्या है यहाँ, एक ही जगह पर a इज इक्वल क्या है टू है, बस a इज इक्वल वन अपॉन ए स्क्वायर, नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वाला कर रहा है, यही वाला कर रहा है, ये वाला ऊपर वाला ही लग रहा है। ऊपर वाला क्या आप ऐसा कर सकते हैं ना, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो ना इसमें, तो ये नीचे वाला अप्लाई होगी, माइनस को भी अंदर कर दो, तो आप ऐसा कर लो इसको चाहे वन अपॉन में ये टू स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एंड डी टी, ऐसा भी कर सकते हैं इसको। ये माइनस जो चल रहा था इसको हमने अंदर पहुंचा दिया फिर से, तो ये इधर आ गया फॉर्मूला, ठीक है ना, ये आ गया। वो आप इसको भी लगा सकते हैं पहले वाले को, फिर माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा वहां कहीं ना कहीं, हमने यहाँ पहले ही कर दिया इसको एडजस्ट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब हमने यहाँ माइनस नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो ये वाला लग रहा है और इसको लगाएंगे फिर इसमें माइनस आएगा, माइनस आएगा तो ये फिर पलट जाएगा जो है मामला, ठीक है ना, तो उसको अपन ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमने माइनस यहीं एडजस्ट कर दिया तो ये वाला आ गया फॉर्मूला नीचे वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर, एक की जगह पर क्या टू माइनस देखो टी, एक्स की जगह पर टी आ गया, एक्स की जगह पर टी है, लगा दो इसको, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन में टू और इन टू टू, ठीक है ना, वन अपॉन में टू इंटू टू और ये लॉग और ये आपका टू और प्लस टी अपॉन में टू माइनस टी और ये प्लस का ये सी, ठीक है, और ये वन अपॉन में फोर और ये लॉग और टू प्लस टी की जगह पर ये रख दो एक्स माइनस वन अपॉन में टू माइनस एक्स और प्लस वन, ऐसा हो साइन बदल जाएगा, ठीक है, और मैं इसको आगे यहाँ लिख सकता हूँ आगे वन बाई फोर और ये लॉग और एक्स प्लस वन अपॉन और ये आपका ऐसा लिख दो वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स और आपका ये और ये दोनों ऐड हो गए थ्री प्लस एक्स और प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो गया, थ्री माइनस एक्स सॉरी थ्री है ना, ये माइनस का ये माइनस ये वन और ये टू थ्री हो गए और ये माइनस एक्स, ये आ गया इसका आंसर फाइनल, दिस इज फाइनल आंसर। ऐसे ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक, ये समझ में आ रहा होगा। तो क्या हुआ, हमने क्लियर हो गया होगा, ये माइनस पॉजिटिव बनाया था, ये माइनस बाहर आ गया था और फिर हमने यहाँ इसका को और इसको देख लो, उतार लो इसको पूरा प्रॉपर, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यहाँ इसको ये होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पर ये कॉमन लिया था, देख लीजिए और
चलिए तो ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। अब देखिए इनको मैं मिटाई देता हूँ, ये हो गए क्वेश्चन सॉल्व सारे। देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले रहा हूँ जो कि ये रिड्यूसिबल केस पर डिपेंड है। सेकंड वाला जो केस है, सेकंड केस कुछ नहीं है, सेकंड केस ये पहला ही केस है और वो जैसे कह रहा है यहाँ पर कि इंटीग्रल्स रिड्यूसिबल टू द फॉर्म, इसी फॉर्म में, ये जो फॉर्म है इसी में पहले चेंज करना है उसको और उसके बाद जो अभी हमने क्वेश्चन किए वही तरीका रहेगा करने का, फिर उसमें कोई चेंज नहीं है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क इसमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, वो जो हम रिड्यूस उसको करेंगे, जो भी आपका जो इंटीग्रेंट जो दे रखा होगा बिल्कुल ऐसा नहीं दे रखा होगा वहाँ पर, वो थोड़ा सा उसमें वो डिफर होगा, तो हम पहले उस इंटीग्रेंट को इधर इसमें चेंज करेंगे, ठीक है, और वो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा करें या कैसे भी करें उसको चेंज किया जाएगा, उसको चेंज करने के बाद में फिर ये ऐसा फॉर्म आ जाएगा और ऐसा फॉर्म आ जाएगा, तो फिर वही तरीका जो अभी हमने अभी इसके क्वेश्चंस जो है ये तीन क्वेश्चन जो किए हैं वो इसी फॉर्म के, फिर वही काम करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ मैं अभी यहाँ, जैसे एक क्वेश्चन ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डी एक्स, ये है जैसे, और एक है आपका जैसे ये वाला साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, ऐसा है ये, ठीक है। जैसे दो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं पहले, तो आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल, ये जो इसका इंटीग्रेंड है ये इससे मैच नहीं कर रहा है, ये जो फॉर्म है इससे बिल्कुल एग्जैक्टली मैचिंग में नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने क्या बताया था कि यहाँ जो है न्यूमरेटर में क्या रहेगा, यहाँ न्यूमरेटर में वन रहेगा फिक्स, ठीक है ना, और फिर जब ये कन्वर्ट होकर के जब आता है तो ये फॉर्मूलों में भी बनी है सब जगह, ठीक है। तो यहाँ मामला क्या, और यहाँ एक नीचे क्या रहता है, क्वाड्रेटिक रहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है, और यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका बाई क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि x की पावर 4 हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल तो है लेकिन बाई क्वाड्रेटिक है, और यहाँ x की जगह यहाँ x है, यहाँ 1 होना चाहिए भाई, यहाँ 1 था और यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यही तो फॉर्म था 1 एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 1 की जगह पर यहाँ x है न्यूमरेटर में, और यहाँ नीचे जो है क्वाड्रेटिक नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये डिफर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही जैसे कि ये ऐसे ही, फिर सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या, यहाँ ऊपर जो है 1 होना चाहिए, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, कुछ इस टाइप का पैटर्न है। तो ये इंटीग्रेंट जो पूरा का पूरा इंटीग्रेंट है ये भी डिफर है, इससे मैच नहीं कर रहा, ये भी पूरा डिफर है इससे मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में सब्स्टिट्यूशन से ही वो रिड्यूस होता है इस फॉर्म में। तो क्या करना है हमें, पहले सब्स्टिट्यूशन, वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, कहीं भी अगर वो फंक्शंस जो भी दे रखा है इंटीग्रेंट जो मैच नहीं कर रहा है तो वो वहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड की तरफ ही जाएंगे। मतलब सब्स्टिट्यूशन काम ही ये करता है कि किसी भी तरीके से उसका काम यही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर उसके बाद ये फॉर्मूले लगा देना, ये सब्स्टिट्यूशन करता है। तो देखो जरा यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, जरा पहले
इसी को फर्स्ट वाले को देखो जरा, एक्स अपॉन एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एन ए डी एक्स, ये दे रखा है। क्या मैं इस एक्स फोर को ये लिख सकता हूँ एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, बस यही ट्रिक है यहाँ पर, ऐसा लिखा जा सकता है ना ये। अच्छा, और उसके बाद जब ऐसा लिख गया तो मैं इस एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर जो है, ब्रैकेट के अंदर जो एक्स स्क्वायर है इसको आप पुट कर दो, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। तो मैं इसको पुट कर दूं, और ये पुट कर दिया मैंने यहाँ टी इज इक्वल एक्स स्क्वायर, उसका फिर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी टी वाई डी एक्स इज इक्वल आपका 2x हो जाएगा, या 2x और डी एक्स इज इक्वल डी टी हो जाएगा, या एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी वाई टू हो जाएगा। एक्स डी एक्स, अब आप देखिए यार यहां जो दे रखा हो उसी में इसको कन्वर्ट कर दिया करो, बस ये काम करना है। यहाँ 2x dx नहीं था ना, यहाँ क्या था x dx था, 2 नहीं था ना, तो 2 को यहाँ से नीचे पहुँचा दो, यहीं पर डायरेक्ट जो यहाँ है, देखो देखो यहाँ x dx, ये डेरिवेटिव यहाँ दे रखा है ना x dx, x dx ये पे मैं dt by 2 रख दूंगा, तो ये ऐसा हो जाएगा dt by 2, तो 1 by 2 बाहर निकाल दूंगा, 1 by 2 को पहले से ही, और dt, और ये आपका 1 अपॉन ऐसा लिख दो इसको, ये डी टी यहाँ लगा दो, और वन अपॉन, और देखो यहाँ टी स्क्वायर और प्लस ये टी और प्लस वन, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है, टी में कन्वर्ट हो गया। और ये अब क्या हो गया, अब ये रिड्यूस होके ऐसा फॉर्म बन गया, ये जो है, अब आप इसको देखें, ये और ये, अब ये फर्स्ट फॉर्म में, इस फर्स्ट वाले जो टाइप जो था, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म था, इसमें कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये इसी को हम रिड्यूस करना बोलते हैं, ठीक है ना, ये सेकंड टाइप ये है, तो ये पूरा डिफर रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा डिफर होके, हमने यहां से पूरा चेंज होके ऐसा कर दिया। अब इसके बाद में ये जब ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया, तो फिर इसका करने का तो तरीका हम जानते ही, ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो आगे, तो सॉल्व हम कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ कोफिशियंट, टी का कोफिशियंट हम क्या बताया था, ये क्वाड्रेटिक हो गया ना, क्वाड्रेटिक में कोफिशियंट पॉजिटिव वन होना चाहिए, तो पॉजिटिव वन है, पॉजिटिव वन है। उसके बाद हम क्या करते थे, टी जो था टी का कोफिशियंट जो था उसका आधा करते थे, उसका फिर स्क्वायर करते थे, ऐड करते थे, सबट्रैक्ट करते थे, वही काम करना है यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव वन है तो यहाँ कॉमन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं आगे कि वन बाई टू, इधर ही लिख लो पहले, एक स्टेप यहीं आ जाएगा, वन बाई टू और वन अपॉन ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। अब देखो ये टी का कोफिशियंट यहाँ क्या है, वन है, ठीक है ना, कुछ नहीं, वन है, तो वन का हाफ करेंगे तो हाफ हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो वन बाई फोर और माइनस वन बाई फोर, ये काम करना है यहाँ पर आपका, वन बाई फोर और माइनस वन बाई फोर एंड डी एक्स डी टी, डी टी चल रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद जो ऐड किया है वो वाला टर्म, टी वाला टर्म और टी स्क्वायर वाला टर्म, एक इनको एक साइड में ले लो, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर दो, तो इसके बाद स्टेप जो है आपका ये वन बाई टू और वन अपॉन, देखो ये टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस वन बाई फोर, ये एक साइड में ले लिए, और
प्लस वन माइनस वन अपॉन में फोर, ये एक साइड में ले लिया और डी टी, और हाफ फिर से लिखिए वन अपॉन में, ये स्क्वायर बन गया। अब देखो यहाँ टी का साइन क्या है, प्लस है, तो टू ए बी वाला आइडेंटिटी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो टी और प्लस वन बाई टू का ये होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका ये थ्री बाई फोर का, थ्री बाई फोर ओनली, और थ्री बाई फोर को भी मैं, चलो पहले थ्री बाई फोर लिख दिया मैंने, एक स्टेप ये कर दिया, ठीक है ना। वन माइनस वन बाई फोर को थ्री बाई फोर लिख सकते हैं। अब देखिए जरा, अब मैं इसको एक स्टेप और लिख सकता हूँ, वन अपॉन में टू, इसको आगे यहाँ लिख दो, ये आपका वन अपॉन में टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये वन अपॉन टी प्लस वन वाई, टी प्लस वन वाई टू का पावर टू, और आपका ये रूट थ्री अपॉन में टू का पावर टू एन डी डी टी, ये नहीं लिख सकते क्या? देखिए अब जरा ये मैच कर गया, किससे मैच कर रहा है, देखिए ये टर्म पूरा का पूरा, ये भी पॉजिटिव और ये प्लस, ये ए की वैल्यू है, ए बराबर क्या है यहाँ, रूट थ्री अपॉन में टू है, और ये पूरा एक्स की जगह पर हो गया, दोनों पॉजिटिव हैं, ये वाला फॉर्मूला लग गया, तो क्या हो जाएगा, ये आपका वन बाई टू, तो ये चल ही रहा है, और वन अपॉन में ए, वन अपॉन में ए मतलब वन अपॉन में ये आपका रूट थ्री अपॉन में ये टू, ये आ जाएगा इन टू टेन इनवर्स, और टी प्लस वन बाई टू अपॉन में ए रूट थ्री बाई टू, और इसके साथ प्लस सी, ये रख दिया, ये फॉर्मूला लग रहा है, इसको पलट दो यहाँ पर, तो ये पलटने पर ये वन बाई टू तो है ही, और ये आपका टू अपॉन में रूट थ्री ये हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स हो जाएगा, और टी की जगह पर क्या रखना है अब हमें, टी की जगह पर जो ओरिजिनल वेरिएबल क्या था, एक्स स्क्वायर जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, वो रख दो यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर और प्लस वन बाई टू अपॉन, ये पलट दो यहाँ से, थ्री रूट थ्री बाई टू को मैं क्या लिख दूंगा, रूट थ्री बाई टू को ऐसा लिख दो इसको, ये तो है ही यहाँ, और ये आपका इंटू टू अपॉन में रूट थ्री, और ये प्लस सी, ठीक है, ऐसा हो गया, ये एक्स स्क्वायर रख दिया टी की जगह पर, और ये वन बाई टू है ही, इसको रूट थ्री बाई टू को टू अपॉन में रूट थ्री पलट दिया, और यहाँ भी पलट दिया, इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, ठीक, और इसके बाद ये जो है फिर आपका क्या लिख जाएगा, वन अपॉन में रूट थ्री, और ये टेन इनवर्स, और आपका ये टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो टू से ये टू कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट थ्री, और ये प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो टाइप वही है, पहला ही है एक तरह से, बस एकदम एग्जैक्ट ये ऐसा फॉर्म नहीं दे रखा होगा स्टार्टिंग में, पहले हमें सब्स्टिट्यूशन से इसमें पहले कन्वर्ट करना होगा, तो ये काम जो है ना, ये वाला काम जो है ना सब्स्टिट्यूशन वाला, ये एक्स्ट्रा रहा एक तरह से, यहाँ तक एक्स्ट्रा, ये जो काम किया सब्स्टिट्यूशन से भाई, ये एक्स्ट्रा काम रहा, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो कन्वर्ट किया है ये, बस ये काम सब्स्टिट्यूशन से, ये एक्स्ट्रा रहा, उसके बाद में ये जो फॉर्म है ये फिर अब ऐसी हो गई, ऐसी हो गई तो उसको सॉल्व करने का हमने पहले तरीका बता ही दिया, तो ये आपका इंटीग्रल्स रिड्यूसिबल टू द फॉर्म, ये रिड्यूसिबल वाला केस था ये, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन ऐसा होके आंसर ही आ गया आपका। आगे नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा, देख लीजिए और इसको,
चलिए, देखिए अब इसके बाद जो है ये सेकंड क्वेश्चन, जरा ये भी रिड्यूसिबल वाला है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका साइन ऑफ इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डीएक्स ऐसा है। तो क्या ये इसका जो इंटीग्रेंड है क्या इससे मैच कर रहा है, क्या स्टार्टिंग में नहीं कर रहा ना, तो पहले हमें इसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में लाना है, तो वो एक्स्ट्रा काम है और वो सब्स्टिट्यूशन से ही होगा अक्सर। ठीक है, तो यहां पुट इसका जो सॉल्यूशन देखें जरा, पुट करेंगे यहां पर। देखिए अब मैं क्या पुट करूं, सब्स्टिट्यूशन हमने क्या बताया था कि हम गैस करते हैं इसमें कि हम क्या कौन सा टर्म हम इसमें से पुट करें जिसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा हो इसमें, बस ये ध्यान रखना है। आप वहाँ तक गैस कर जाइए कि मैं इसको पुट करूँगा फिर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो डेरिवेटिव निकलता है वो कहीं नज़र आ रहा है क्या इसमें, वो वहाँ तक सोचना है, बस ये काम करना है, ये प्रैक्टिस से होगा। अब देखें जरा, मैं इसको कॉस को अगर मैं पुट कर दूं तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है कि नहीं होता है, और साइन नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा ऊपर, बस ये काम करना है। तो कभी भी इस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉस स्क्वायर सहित नहीं पुट करना, विदाउट पावर पुट करना है, ये ध्यान रखना है। तो पुट टी इज इक्वल कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव डी टी वाई डी एक्स इज इक्वल माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी, या अब देखो, अब देखिए जरा हमारे यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स ये दे रखा है कि नहीं दे रखा है डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव निकाला, बस अंतर क्या है, यहाँ प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ जो दे रखा है उसी में इसको कन्वर्ट कर दो, तो माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने ये इसको इसलिए यहाँ रोका कि ये साइन एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक, तो आप अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जरा यहाँ रखें, और रखने से कैसा कन्वर्ट हो गया, तो ये देखो माइनस, देखो वन अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पर टी कॉस टी इज इक्वल कॉस एक्स है, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और डी टी, और ये माइनस। ठीक, ये आ गया। तो देखो जरा ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो वन ऊपर आ गया, और यहां जो क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल बना है ना उसमें एक्स वाला टर्म भी नहीं है, और इजी हो गया। ठीक है ना, जिस जो हम एक्स वाले टर्म को रिड्यूस करते थे वहां पर इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, टू टर्म्स है ना हर इस फॉर्मूले में, देखा जा रहा है इसमें भी टू टर्म्स, इसमें भी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर, टू टर्म्स है ना हर जगह, तो यहाँ टू टर्म्स ऑलरेडी बन गए। एक्स वाला जो टर्म आता था क्वाड्रेटिक में, जो ये वाला टर्म था, फिर हम इसका कोफिशियंट पॉजिटिव वन बनाते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव वन, फिर एक्स का कोफिशियंट का हाफ करना, स्क्वायर करना उसका, फिर स्क्वायर करके ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वो काम भी खत्म हो गया, डायरेक्ट बना हुआ आ गया। ये तो किससे मैच कर रहा है, इस फॉर्मूले से पहले से, क्यों है, क्योंकि वन का स्क्वायर, देखो दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी वन भी पॉजिटिव टी भी पॉजिटिव, एक ही जगह पर यहाँ क्या है वन है, एक ही जगह पर क्या है वन दे रखा है। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, दोनों पॉजिटिव है, कैसे भी उसको प्लेस चेंज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो यहाँ
वन स्क्वायर, टी स्क्वायर और डी टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी जगह पर मैं अब क्या लिख दूंगा, वन अपॉन में वन, एक ही जगह पर वन है ना, यहाँ वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, वन अपॉन में ए। फार्मूला क्या है ये रहा आपका, फार्मूला हमारा क्या है भाई, फार्मूला ये है वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लिख सकते हैं, या वन अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स वाई ए और प्लस सी, ये फार्मूला है, मैच करें यहाँ पर, ये पूरा इसके इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन में ए वन अपॉन वन और ये टेन इनवर्स एक्स टी अपॉन में वन प्लस सी, और फिर उसके बाद टी की वैल्यू को फिर से वन अपॉन वन, मतलब ही नहीं कुछ, खत्म मामला हो गया, टेन इनवर्स बचा और टी की जगह पर ओरिजिनल वेरिएबल कॉस एक्स अपॉन में वन और प्लस सी, या आपका टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस सी, वन को भी छोड़िए, ये आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये रिड्यूसिबल वाला हो गया, और लेते हैं एक दो, जैसे एक क्वेश्चन है कि ई एक्स और ई टू एक्स सिक्स ई, हाँ ये वाला, जैसे एक क्वेश्चन जैसे साइन ऑफ इंटीग्रल ई एक्स अपॉन में ई की पावर टू एक्स प्लस सिक्स ई एक्स और प्लस फाइव एन डी एक्स, ऐसा ही है कुछ, ई टू एक्स सिक्स ई एक्स प्लस, हाँ ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या ये मैच कर रहा है स्टार्टिंग में, देखें जरा क्या ये पूरा का पूरा मैचिंग कर रहा है क्या, इससे नहीं कर रहा, मींस रिड्यूसिबल केस है, सेकंड वाला केस। तो पहले हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसमें कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप जानते हैं ये तीनों फॉर्मूले लगाते हैं हम, सारा सिस्टम मालूम ही आपको। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसका सॉल्यूशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, हो गया क्लियर। मैं इसमें इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ई एक्स अपॉन इसको ई एक्स का स्क्वायर, पावर का पावर में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ना, ठीक है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं, सिक्स ई एक्स प्लस फाइव एंड डी एक्स। अब आप पुट करिए जरा ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन, इसको देखिए, पुट टी इज इक्वल ई टू दी पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो ये डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल ई एक्स का ई एक्स ही होता है, ई एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी, देखें जरा मैच करें ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये डेरिवेटिव, ये वाला डेरिवेटिव देखो यहाँ दिख रहा है, ये पूरा रखा हुआ है यहाँ पर, ई एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी रख सकते हैं, रखने के बाद में फिर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, वन अपॉन और ई एक्स की जगह पर यहाँ ई एक्स की जगह पर टी रख दूंगा, तो टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी प्लस फाइव और डी टी एक्स डी एक्स एक्स डी एक्स डी टी, हो गया ना कन्वर्ट। अब आप इस बस ये यहाँ से और यहाँ तक ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है, बस ये रिड्यूस हो गया इस तरह से, ये रिड्यूस हो गया यहाँ से यहाँ तक आने पर, ये पूरा अब ये पूरा इससे मैच कर रहा है, और मैच कर रहा है तो हम क्या करते थे, टी का कोफिशियंट यहाँ पॉजिटिव वन है, टी स्क्वायर का, टी नहीं टी स्क्वायर का कोफिशियंट ये पॉजिटिव वन है दे रखा है हमारा, तो यहाँ पॉजिटिव वन बना हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद हम कहाँ जाते थे, टी पर जाते थे, जैसे वहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते थे, फिर हम
एक्स का कोफिशियंट का आधा करते थे, उसका फिर स्क्वायर करते थे, ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो वहाँ एक्स की जगह पर यहाँ वेरिएबल टी है, बस ये फर्क है, वेरिएबल चेंज है और कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ ये तो पॉजिटिव वन है, अब हम टी पर जाएँ, टी का कोफिशियंट क्या है यहाँ, सिक्स, सिक्स का हाफ करिए तो थ्री, थ्री का स्क्वायर करिए तो आपका नाइन, और प्लस नाइन और माइनस नाइन ये काम करना है इसमें, तो ये आपका वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी प्लस फाइव प्लस नाइन और माइनस का नाइन और डी टी, ठीक। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म एक साथ लेंगे, ये वाला और जो ऐड करते हैं टी स्क्वायर टी एंड ऐड जो किया है बस उसको एक साथ लो, और ये आइडेंटिटी मैंने लिखी हुई है यहाँ, इनको लगा दो। देखिए जरा, वन अपॉन टी प्लस थ्री का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, और ये दोनों, ये और ये दोनों फाइव और माइनस नाइन, तो माइनस का फोर बचा और डी टी हो गया। चेक कर लीजिए टी स्क्वायर, देखो अब जरा इसको ओपन करना इसी को, तो देखो टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब नाइन और प्लस टू ए बी, देखो ये प्लस का साइन है ना, तो टू ए बी, टू पहले लगता है, ए मतलब आपका टी और बी आपका थ्री, तो थ्री टू जा सिक्स, ठीक है, ये हो गया। बस अब कौन सी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, किससे मैच कर रहा है, ये किससे मैच कर रहा है, ये वाला सेकंड वाला है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए जरा, वन अपॉन ये पूरा मान लो एक्स है, एक तरह से एक्स स्क्वायर, और यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, फोर को, फोर को लिख दूंगा मैं टू का स्क्वायर, तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पर टू हो गई, ठीक है, एक तरह से हो गए, तो इसको लगा दो, तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैं इसे लिख दूंगा वन अपॉन टू इंटू टू, वन अपॉन टू ए, ए की जगह पर टू लॉग, और x की जगह पर t प्लस थ्री माइनस टू अपॉन t प्लस थ्री और प्लस टू और प्लस थ्री। आगे स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन में फोर लॉग t की जगह पर क्या रखना है, एक्स, देखो ई एक्स और प्लस वन अपॉन ई एक्स प्लस फाइव प्लस सी। देख लीजिए टी की जगह पर ई एक्स रख देना है और थ्री माइनस टू वन बचेगा और थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा, ये आंसर हो गया, दिस इज फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, शेयर भी करिए इसको। चलिए, थैंक यू।